हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की। आपकी जनरेशन थी 5, ठीक है। 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके बारे में बात करें तो इसका जो ईयर है, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हम सारे डिस्कस करेंगे कि जनरेशन में आपके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, इसका जो ईयर पूछा जाता है तो ईयर आपका है 1942 से 1954, ठीक है। आपको याद रखना है 1942 से 1954 तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले आपने देखा जब कभी भी नई चीज़ बनती है तो ठीक है, वो क्या बनती है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। या फिर टेक्नोलॉजी उस टाइम पे ज़्यादा नहीं थी, तो उस टाइम पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी आपकी, क्या हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वैक्यूम ट्यूब होती थी आपकी, ठीक है। ये आपकी कांच की होती थी। ये क्या, जब भी हम कभी भी इनका कंप्यूटर में यूज़ करते थे तो क्या होता था, हीट जनरेशन आपकी बहुत ज़्यादा होती थी। आपने देखा अभी तो एलईडी आई हुई है, जब हम पहले 100 वाट के बल्ब यूज़ करते थे, आपने देखा कि जब हम उनको यूज़ करते थे तो कितनी ज़्यादा उसमें से एनर्जी पैदा होती थी, ठीक है। यानी कि वैक्यूम ट्यूब जब हम यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी आपकी, तो क्या था, हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा होती थी। और हीट जनरेशन होगी तो गर्मी पैदा होगी, तो इसलिए उस कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए क्या होते थे, बहुत बड़े एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे क्या होता था, उसका जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, यानी कि वो कॉस्टली होते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर सेकंड है, लास्ट हम आगे हम बात करें मेमोरी के लिए इनके में क्या यूज होता था। प्राइमरी मेमोरी के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम और इनपुट और आउटपुट, या फिर सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम बोलें तो इसमें पंच्ड कार्ड यूज होते थे आपके, ठीक है। फर्स्ट कार्ड किसके लिए यूज होते थे, इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते थे, पंच्ड कार्ड, ठीक है। अब है लैंग्वेज, सिर्फ इसमें हम मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, यानी कि जो बाइनरी नंबर्स की आपकी फॉर्म में होती थी 0 और 1, यानी कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती थी 0 और 1 की फॉर्म में होती थी वो यूज करते थे, ठीक है। मशीन लैंग्वेज यूज करते थे तो ज़्यादा इसका कोई यूज नहीं था, तो इसलिए सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए हम इनका, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनका यूज केवल हम रिकॉर्ड रखने के लिए करते थे। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल थे आपके फर्स्ट जनरेशन के एनियक, IBM 65। आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका IBM 6650 आपका, एंड यूनिवैक, और इसके साथ साथ एडसेक और आपको याद रखना है, ठीक है। एडसेक भी फर्स्ट जनरेशन का ही था आपका, ठीक है, जो फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम था आपका। एडसेक क्या था, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था आपका। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके साथ साथ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, ये बहुत स्लो थे, ठीक है। जो अगर इनकी स्पीड के बारे में बात करें तो ये बहुत स्लो थे, यानी कि इनका जो टाइम था मिली सेकेंड का था, यानी कि 10^-3, ठीक है, मिली सेकेंड्स का टाइम लगता था इनको, बहुत ज़्यादा स्लो थे। यानी कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो यानी कि जो इनकी अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो ये रिलायबल नहीं थे, ठीक है, रिलायबल नहीं थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आप देखेंगे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, आपकी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि जो विश्वसनीयता है कंप्यूटर की वो बढ़ती चली जाएगी। अब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। अब स्पीड बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जो कंप्यूटर का साइज़ है वो भी छोटा होता जाएगा, और साइज़ छोटा होगा तो एनर्जी जो आपकी कंजप्शन थी वो भी बहुत कम होती चली जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था आपका, अब ये 54 तक था, तो जो नेक्स्ट है 1955 से 1964 तक आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। अब क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय हम किसका यूज़ करने लगे थे, ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लग गया था। और जो आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी के लिए ड्रम की बजाय तो हम कोर्स बेस आपकी जो मेमोरी यूज़ होने लग गई थी, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ करने लगे थे। अब जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज के अलावा हम क्या यूज़ करने लगे थे, असेंबली लैंग्वेज और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हम बात करें यानी कि कोबोल, ठीक
जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड मशीन है आपकी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, कोबोल थी और फोर्ट्रान थी, उनका यूज़ करने लगे थे। और इनका जो यूज़ था किसके लिए यूज़ होता था, बिलिंग और इन्वेंट्री फाइल के लिए, ठीक है, यानी कि बिलिंग और इन्वेंट्री फाइल के लिए इनका यूज़ होने लग गया था। एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो आपके, उनके एग्जाम्पल थे CDC 1604 एंड IBM 700 और 1400 सीरीज आपकी क्या थी, इसके एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। हमने देखा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको मिली सेकेंड का टाइम लगता था, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका जो टाइम है वो माइक्रो का हो गया था, माइक्रो सेकेंड। 10^-3 है 10^-6। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो 10^-3 है, 10^-6 है, तो बड़ा कौन सा है, तो यानी कि ये क्या है, 1/10^6 है, ठीक है, यानी कि जो जीरो आपके नीचे बढ़ गई, यानी कि स्पीड कम हो गई है, यानी कि टाइम जो है कम हो गया है इसका, टाइम कम हो गया तो यानी कि स्पीड क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। तो आपको याद रखना जैसे जैसे हम जनरेशन की तरफ बढ़ेंगे आपकी स्पीड है जो वो बढ़ती जाएगी, जो रिलायबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, एनर्जी कंजम्पशन आपका डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि साइज़ जो है छोटा हो जाएगा, तो ठीक है जो कूलिंग है वो रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। जब साइज ही आपका छोटा हो जाएगा तो कूलिंग रिक्वायरमेंट भी तो कम हो जाएगी आपको, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब है नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसका जो टाइम पीरियड था आपका 1965 से 1974 था, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, जो ट्रांजिस्टर्स थे आपके वो रिप्लेस कर दिए थे आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको बोलते हैं, इसका मतलब ये छोटी सी आपकी एक चिप होती थी, ठीक है, उस चिप पे क्या होते थे ये ट्रांजिस्टर जो हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर हम एक आईसी पे लगा सकते थे, यानी कि 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर आपके एक सिंगल आईसी पे हो सकते थे। आप देख सकते हैं पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स आपकी बड़ी बड़ी होती थी, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, फिर आपके आईसीज आ गई छोटी छोटी, यानी कि जो साइज था आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब साइज डिक्रीज हो गया तो यानी कि टेक्नोलॉजी आपकी फास्ट हो गई, तो जो टाइम था आपका वो भी क्या हो गया, नैनो सेकेंड्स का, स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो गई। अब आईसी स्मॉल हो गई आपकी तो एनर्जी कंजम्पशन भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई, तो कूलिंग रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर क्या होगी आपकी, कम होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है स्टोरेज के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करने लग गए, मैग्नेटिक डिस्क का, ठीक है। और जो लैंग्वेज है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करने लगे, जो आपकी बेसिक एंड पास्कल जो एडवांस आपकी लैंग्वेज थी वो यूज़ करने लगे। सी लैंग्वेज भी यहाँ पर डेवलप आपकी हो चुकी थी, ठीक है, इस थर्ड जनरेशन में ही। अब यूज़ की बात करें तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है मल्टी प्रोग्रामिंग में हम कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हो गया था आपका, थर्ड जनरेशन का। यूज़ करें तो हम रिमोट प्रोसेसिंग के लिए, टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग में इनका यूज़ होता था। अब एग्जांपल की बात करें तो IBM 360 और हनीवेल और यूनिवेक 1100 सीरीज़ आपके एग्जाम्पल थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। अब है नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है आपका 74 के बाद 75 टू 1990 में आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था। अब क्या हुआ, जो आईसीज है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो आईसी है इसकी खोज किसने की थी, किल्बी ने, इन्वेंशन पूछा जाता है, किल्बी ने की थी 1958 में, आपको ये याद रखना है यहाँ पर 1958, ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, जो आपके आईसी थे तो वो रिप्लेस कर दिए माइक्रो प्रोसेसर में, जो यानी कि टेक्नोलॉजी है आपकी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ होने लग गया था, यानी कि इसमें क्या था आपकी एक सिंगल आईसी की बजाय बहुत सारी आईसी यूज़ होने लग गई थी, ठीक है। अब आप देखेंगे ट्रांजिस्टर हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज़ एक ही उसमें होने लग गया तो उसको क्या बोलते हैं, आईसी, और बहुत सारी आईसी का यूज़ होने लग गया तो उसको VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया था। और मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करने लगे थे, रैम एंड रोम, ठीक है, रैम एंड रोम सबको पता होगा प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जब कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी दौरान जो आपका रोम है उसमें इनबिल्ट होता है आपका। और सेकेंडरी मेमोरी के लिए सबको पता है हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, उनका यूज़ होने लग गया था, ठीक है। और लैंग्वेज में इसमें क्या था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में, C, C++ एंड डी बेस आपकी जो लैंग्वेज है वो यूज़ होने लग गई थी। अब इसका जो है एग्जाम्पल पूछें तो IBM PC XT, Cray 1 एंड Apple 2
ठीक है। और एप्पल वन और एप्पल टू भी आपके यहाँ पर यूज़ होने लग गए थे, ठीक है। ये आपके एग्जांपल हैं, ठीक है। ये थे फर्स्ट से लेकर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में आपका जो भी था। इसके अलावा आपको मैंने बताया और क्या याद रखना था, रिलायबिलिटी क्या था, वैसे एग्ज़ाम में आता तो नहीं है रिलायबल, अभी मैंने बताया आपको, यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी इंक्रीज हुई तो क्या था रिलायबिलिटी भी इस डायरेक्शन में फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि पहले कम थी, फिर और ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, ठीक है। टाइम कंजम्पशन भी क्या हो गया था, कम हो गया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी आपकी, ठीक है। कूलिंग भी आपकी कम हो गई थी, एनर्जी कंजम्पशन भी आपका कम हो गया था, ठीक है। तो ये कंप्यूटर आपके बहुत बड़े होते थे, साइज़ में पोर्टेबल नहीं थे, तो ये छोटे थे, पोर्टेबल थे, यानी कि कहीं भी हम लेके जा सकते थे। इसके अलावा आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके कौन से हैं जो हम हाल फिलहाल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हम, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं आपके जो 1990 से लेकर टिल अभी जो जनरेशन चल रही है आपकी, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपकी चल रही है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है आपकी कौन सी हुई है फिफ्थ जनरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर हैं उनको इस प्रकार से डेवलप कर रहे हैं ताकि वो भी मनुष्य की तरह अपना सोच विचार करके समझ सके, ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, अभी उस पर और भी काम चल रहा है, सिर्फ आपको याद रखना है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है फर्स्ट जनरेशन में। आपको टाइम पीरियड याद रखना है, इसमें कैसे याद रखेंगे, 42 से 54 आपको फर्स्ट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हर एक जनरेशन में अगर याद रखना है तो +9 या ऐड करते चले जाएंगे आप, ठीक है। 42 से 54 फर्स्ट का याद रखना है, उसके बाद +9, 55 में +9 ऐड करेंगे, +9 ऐड करेंगे, और ये तो थे इसमें +9 या 10 ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि 85 या 90 तक अगर आपको फर्स्ट याद है तो आसानी से बता देंगे आप, ठीक है। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी है, वैक्यूम ट्यूब्स कैसे याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स, फिर टी है जो आपका, टी यहाँ पर रिप्लेस हो गया ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स के बाद आपके आईसीज आ गए, आईसीज के बाद आपके माइक्रोप्रोसेसर आ गए। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है आईसी, तो सी से आपको याद रखना है, थर्ड अल्फाबेट है ABCD का, तो जो आईसी है आपकी तो थर्ड जनरेशन में आई थी, एंड माइक्रो प्रोसेसर आपके फोर्थ जनरेशन में आए थे, आपको याद रखना है। अब है स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इनपुट आउटपुट के लिए से पंच कार्ड, फिर आपकी टेप, फिर आपकी डिस्क, फिर आपकी हार्ड ड्राइव, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और एडवांस लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि C एंड C++। यूज़ की बात करें तो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते थे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बिलिंग का और इन्वेंटरी के लिए भी यूज़ होने लग गया था। अब थर्ड में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग आपका यूज़ होने लग गया था, टाइम शेयरिंग एंड रिमोट प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल आपने ये देख ही लिए थे इनके, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से आपके ये जितने भी हैं आपकी स्पीड्स वगैरह या जितने भी जनरेशन हैं आपके इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने कर लिए हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं पॉज करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।